गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी दर्शक महोदय का दिल से स्वागत है। मैं श्रीकांत सर आप सभी सब्सक्राइबर महोदय का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम लोग त्रिकोणमिति के दो महत्वपूर्ण फार्मूला को प्रूफ करेंगे। साइन 2a का फार्मूला 2 साइन एन टू कॉस ए एंड साइन 2a का फार्मूला 2 टेन ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो साइन 2a का दो रिजल्ट होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इतना महत्वपूर्ण फार्मूला है, 11th में तो ये काम करता ही करता है। जब 12 क्लास में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वहाँ भी ये दोनों सूत्र आपको काफ़ी यूजफुल नज़र आता हुआ प्रतीत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, साबित करके बताएंगे हम कि साइन 2a 2 साइन ए इंटू कॉस ए कैसे होता है एंड साइन 2a 2 टेन ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर कैसे होता है। तो चलिए LHS हम लिख लेते हैं। साइन 2a फार्मूला का LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, कितना है LHS भैया, साइन 2a। चलिए तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन एंड 2a को लिख सकता हूँ a प्लस ए, ए में a जोड़ने से 2a हो जाता है, तो लिख ही सकते हैं ना। चलिए इसी का तो नाम मैथमेटिक्स है। आ कंपाउंड एंगल के अंतर्गत आप लोग पढ़े हैं साइन a प्लस बी का फार्मूला। साइन a प्लस बी का फार्मूला कंपाउंड एंगल यानी संयुक्त कोण के अंतर्गत आप लोग पढ़े हैं कि साइन a प्लस बी कितना होता है। तो ये होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आपने ये स्टडी किया है। अब आप गौर फरमाइएगा तो ए के जगह ए है लेकिन बी के जगह भी क्या है, ए है। तो इस फार्मूला में जहाँ जहाँ बी है उस बी के स्थान पर हमारे पास ए है, तो हम बी के स्थान पर भी क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे, रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए इंटू कॉस बी, बी के जगह तो मेरा ए है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बी के जगह भी हमें ए डाल देना है। चलिए अब हम साइन ए और साइन ए, प्लस के पहले भी दिखता है और प्लस के बाद भी दिखता है। तो साइन ए हम क्या करते हैं, यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो साइन ए हमने ले लिया कॉमन, तो इसमें बच गया कॉस ए, प्लस इसमें भी बच गया कॉस ए। अब जैसे एक्स में एक्स जोड़ते हो तो 2x होता है, y में y जोड़ते हो तो 2y होता है। लाइक दिस कॉस ए प्लस कॉस ए दिस गिव्स 2 कॉस ए, ये हमें क्या देता है साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए दिस मीन्स 2 कॉस ए। ए गो कॉस ए में बउआ ए गो कॉस ए जोड़बई तो 2 गो कॉस ए हो जाते, आ 2 कॉस ए से साइन ए में गुना कर देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये RHS प्रूव्ड हो गया, देख लीजिए आप अच्छे से देख लीजिए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यही था RHS प्रूव्ड। एक फॉर्मूला हमको प्रूफ हो गया है, ठीक है। अब हम साबित करेंगे कि साइन 2a 2 टेन ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कैसे होता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, वो भी प्रूफ हो जाएगा। तो इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये रिजल्ट तो हमें साइन 2a के बदला में मिल ही चुका है। अब हमको 2 टेन ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी लाना है। तो टेन तभी आएगा जब साइन के बटा में कॉस जाएगा, टेन तभी आएगा जब साइन के बटा में कॉस जाएगा। तो आइए फटाफट कुछ दिमाग लगाते हैं, कॉस ए से भाग दे देते हैं तो बदले में कॉस ए से गुना कर देते हैं, ये कॉस से कॉस कट जाएगा बात खत्म। आ ए वो कॉस ए तो ऊपर से आ रहा है, चलिए गौर कीजिएगा। अब साइन ए बटा कॉस ए ये आपको टेन ए दे दिया, अब कॉस गुना कॉस तो ये आपको कॉस ए स्क्वायर दे देगा। फिर टेंथ ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग पढ़े हैं कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक बटा सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा आप लोग पढ़े हैं टेंथ क्लास में। एंड टू टेन ए में आपका एक से गुना हुआ तो टू टेन ए, और सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला टेंथ क्लास में पढ़े हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी वन प्लस टेन स्क्वायर ए। इस तरह से आपका ये टू टेन ए बटा वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये दूसरा आर एच एस भी प्रूव्ड हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला फॉर्मूला प्रूफ लेकर बहुत जल्द आपके पास पहुंचते हैं। थैंक यू सो मच।